हे गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्टार लाइफ पर। सो गाइस आज हम दोबारा शूट कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक का व्लॉग। सबसे पहले व्यू दिखा देते हैं थोड़ा आसपास का, जो कि गजब हो रहा है आज। तो चलते हैं आगे। तो गाइस आ जाते हुए मैं अपने साथ मजल भी लाया था, इस वजह से क्योंकि पैरों कई बार चलते हुए चीजें उठाने लगी है। तो कुछ ट्राई करके देख रहे हैं, अगर रिजल्ट अच्छे मिले तो फिर आगे डिटेल में इसकी एक व्लॉग वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा मैंने किस तरीके से इसकी ये सब आदत सुधारी और बाकी क्या क्या यूज करा। चलो आगे चलो। मज़ल फ्रेंड, नज़ल के बाकी भी काफ़ी सारे फायदे होते हैं, आप लोगों को भी एक लेके रखना चाहिए अपने डॉग के फेस के साइज के हिसाब से। छोटा मज़ल ले सकते हो, छोटी ब्रीड है, बड़ा मज़ल भी आता है, हर टाइप की डॉग ब्रीड के लिए हर साइज में मज़ल आता है। मज़ल के अपने ही फायदे हैं, जैसे कई बार हमें डॉग को अपने वेट के पास ले जाना पड़ता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं, कई बार क्या हमें मज़ल लगाना पड़ता है, हमारे पास नहीं होता तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। व्यू देखो फ्रेंड्स कितना ज्यादा फॉग हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ज्यादा आगे का तो दिख भी नहीं रहा। और हाँ बाकी एक बात आपको बताता हूँ, अगर आप मज़ल लगा के अपने डॉग को वॉक कराओगे तो हमेशा उसको जो है आपको लीश में वॉक करानी है, क्योंकि अगर आप उसको मज़ल के साथ ऑफ लीश वॉक कराओगे तो कई बार क्या होता है दूसरे डॉग्स वगैरह अटैक कर देते हैं, तो उस टाइम पे डॉग ना तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा और अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फेस जो है वो कवर होगा तो उस टाइम पे उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपके लिए भी। तो मेक श्योर जब भी आप उसको मज़ल लगा के वॉक कराएं तो वो सिर्फ लीश में ही कराएं। और बहुत से लोग होते हैं जो ऑफ लीश वॉक कराते हैं डॉग्स को रोड वगैरह पे, बट उनके डॉग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं अच्छे से, जो कि साथ बात मानते हुए सही से चल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक नए डॉग ओनर हैं और अगर आपके डॉग को ऑफ लीश ट्रेनिंग नहीं है तो उसको सबसे पहले अगर आपको ट्रेन करना है ऑफ लीश के लिए तो कुछ इसी तरीके के एरिया में उसे ऑफ लीश चलाएं, इसी तरीके के एरिया में उसे ऑफ लीश चलाना ट्रेन करें, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे बंदे कम से कम हैं और व्हीकल्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं है। इस तरीके के एरिया में ऑफ लीश वॉक कराने से एक तो आपके डॉग को जो है ऑफ लीश घूमना आएगा और दूसरा कोई एक्सीडेंट वगैरह का डर भी नहीं रहेगा कि किसी व्हीकल से आपके डॉग को चोट लग जाएगी या फिर आपके डॉग की वजह से किसी और ह्यूमन को हर्ट हो सकता है या जो भी है। इस तरीके के स्ट्रेनर्स, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे इस तरीके के एरिया में। और अगर आप ओपन लीश वॉक नॉर्मल पब्लिक एरिया में कराने की सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं तो उस टाइम पे ऑफ लीश करने पे रिस्क ये रहता है कि पैरो धरा पैरो। तो फ्रेंड उस तरीके के एरिया में ऑफ लीश वॉक कराने से रिस्की होता है कि आपके डॉग कई बार बड़े व्हीकल्स वगैरह से डर जाते हैं या दूसरी चीज़ से एक्साइटेड होकर इधर उधर भागने लगते हैं, तो उस टाइम पे जो है डॉग को हर्ट हो सकता है दूसरे व्हीकल्स वगैरह से या किसी भी चीज़ से उसको एक्सीडेंट हो सकता है। और बाकी सर्दियाँ जैसे कि आ गई हैं तो डिवॉर्मिंग का टाइम भी आ ही रहा होगा बहुत से डॉग्स का, जैसे कि पैरों के तो आते ही है। फीमेल डॉग्स की जो डिवॉर्मिंग होती है फ्रेंड्स वो तो साल में दो बार हो ही जाती है, जब उनकी हीट आती है उस टाइम पे हर डॉग ओनर करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हीट पीरियड में फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉर्म्स हो जाते हैं, उसको किल करने के लिए आपको डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए जब भी हीट हो रही है। चलो नहीं इधर
और बाकी जो मेल डॉग्स हैं उनमें आप साल में एक बार कर सकते हो, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, साल में एक बार करने पे भी चल जाता है, बट अडल्ट डॉग हो तो नहीं। करो आजा, इधर से आ, इधर आ जा। कहाँ जा रहा है तू अकेले अकेले? नहीं नहीं प्ले रखो, चलो चलो नीचे चलो, नीचे चलो, पैरो चलो, और बाकी जो है फ्रेंड्स डिवॉर्मिंग डॉग की नीड के हिसाब से भी होती है कई बार। जैसे अगर आपके डॉग को बीच में ही अगर आपको लग रहा है कि उसके पेट में वॉर्म्स आ गए हैं, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि बाहर जाते हुए आपका डॉग उल्टी सीधी चीज़ें उठा के खा रहा है, घास खाने लगा है, उसके बाद वो वॉमिट वगैरह करता है, या फिर उसकी डाइट तो सही है बट उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, वेट लूज हो जा रहा है, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं डिवॉर्मिंग करने के। तो ऐसे टाइम पर भी आपको डिवॉर्मिंग कर दी चाहिए। और बाकी आज यहाँ पर थोड़ा फॉग ज़्यादा है, ज़्यादा दूर का दिख नहीं रहा, तो बस यही सब था डिवॉर्मिंग के बारे में। तो बाकी अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं इसके ऊपर डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा कि डिवॉर्मिंग पपी से लेकर अडल्ट तक किस किस टाइम पर होती है, कैसे होती है, कौन कौन से आइटम्स आते हैं डिवॉर्मिंग के, और बाकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। चलो बैठो, बैकग्राउंड में शायद थोड़ा सा शोर आ रहा होगा यहाँ दूर से कहीं पे, सुबह सुबह किसी के भजन बजे कर चलो। पैरो कहाँ जा रहे है? अकेले कहाँ जा रहा है? चलो दो जने, हम दोनों साथ चल रहे हैं। फिर सो गाइस, बस आई थिंक बहुत बड़ा बन गया है ब्लॉग ये वाला, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। So thank you for watching friends, bye.